Assalamualaikum, welcome to Dr. Simi's Clinic. आज हम Bio 21 tablets के बारे में information आपको देने वाले हैं। जैसे ही बच्चा 4 से 5 माह का होता है तो वो दांत निकालना शुरू कर देता है, और जैसे ही दांत निकालना शुरू करता है तो बहुत सी इरिटेशंस होती हैं, बहुत सिम्टम, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा रोता है, और ये पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हर दूसरा जो पर्सन है वो आपको मशवरा दे रहा होगा, अच्छा आपके बाद बच्चा दांत निकाल रहा है, इसको बायो 21 नहीं शुरू करवा दे। तो बायो 21 टीथिंग में अपना एक नाम बना चुकी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब बच्चा टीथिंग पे आता है तो किस एज से आप बायो 21 को स्टार्ट करें और कब तक दें, बायो 21 के अंदर किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और बायो 21 को खरीदने से पहले किन चीज़ों को देखें, और जब बच्चा आपका टीथिंग पे होता है तो उसकी कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे आपका बच्चा 4 से 5 माह की एज में आता है, वो टीथिंग पे आता है, तो आपने उसको बायो 21 स्टार्ट कर देनी है, और आपने इसको 1 से 1.5 साल तक देनी है। इसकी डोजेज में आप उसको 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका बच्चा जो टीथिंग पे है तो उसको क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। जब बच्चा टीथिंग पे आता है तो जब वो दांत निकालता है तो दांत निकालने की जो जगह है, मसूड़ा है, वो स्वेल हो जाता है, वो रेड होने लगता है। बच्चे की जो चीक्स हैं वो रेड हो जाती है, उसमें रैशेज भी आने लग जाती है। बच्चा अपने कानों को बहुत ज़्यादा खींचने लग जाता है। बच्चा बहुत इरिटेट, डिप्रेस और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। बच्चा जो है वो अब जहाँ बैठेगा अपनी जगह पे बाउंस करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के मूड को अच्छा रखने के लिए, दांत को आसानी से निकालने के लिए बायो 21 आपको बहुत हेल्प करती है। देखते हैं कि बायो 21 के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन शामिल है। बायो 21 के अंदर होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन कल्केरिया फॉस, कैल्शियम फॉस्फेट और फेरम फॉस्फेट शामिल है। इनका असर हड्डियों के ऊपर, बोन्स के ऊपर, बोन्स मैरो के ऊपर, बोन मैरो के ऊपर, HB के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट है। तो इस बायो 21 को लेने से बच्चे में कैल्शियम की कमी नहीं होती, वो एनेमिक नहीं होता, और दांत निकलने के प्रोसेस में जो वो इरिटेट होता है तो वो इरिटेट होना बच जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है कि हर जगह हर स्टोर पे आपको बायो 21 मिल जाती है। लेकिन खरीदने से पहले आप देख लीजिएगा कि ओरिजिनल हो, फ्रांस की हो, तो ही आप खरीदिएगा। और खरीदने के बाद जब आप इसको यूज़ करें तो टाइटली क्लोज करें, इसको साय वाली जगह पर रखें, इसको फ्रिज में ना रखें, इसको धूप वाली जगह पर ना रखें, और जिस वक्त बच्चों को खिलाएं तो आपके भी हाथ साफ होने चाहिए, और जब जब वो मुंह से बार बार गिराता रहे तो उठा उठा के उसके मुंह में वापस ना डालते जाएं, उसको डिस्कार्ड कर दें, ज़ाया कर दें। तो ये बायो 21 अगर आप हाइजीन वाले तरीके से अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों के टीथिंग पीरियड जो है उसको मैजिकली इजी कर देगा। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।